होश में लाना है ना, जब तक होश में नहीं आती बेचारे की, बेचारे की क्या बोलूँ, होश उसके होश उठ गया जब तक वो पेशेंट फिर होश में नहीं आता। इसी तरह दो चीज़ आपने बोला कि बहुत माँ खाते नहीं पियाते, वही हालत डॉक्टरों की। मैं एडवाइस तो करता हूँ लेकिन मैं खुद फॉलो नहीं करता, क्योंकि क्या करें, टाइम चिपा में वही सब। ये चीज़ याद रखिए, छोटे नुस्खे ये नुस्खे सब भूल जाएंगे, एक एक अग्नि एक एक नुस्खा बोलेगा। बोलते हैं माफ करना, डोंट मिस्टेक यू टू वॉचेस डोंट अग्री, टू उलेमास डोंट अग्री। सो टू वॉचेस डोंट अग्री, टू उलेमास ऑल्सो डोंट अग्री। टेंशन बोले ना, ये टेंशन जो है सबसे बड़ी बीमारी वही टेंशन, और टेंशन का इलाज आप लोगों के हाथ में, खुद के हाथ में है टेंशन। आई मस्ट नॉट टेक टेंशन। आप लोग तो और ज़्यादा, आप तो लोग तो अल्लाह वाले लोग हैं ना, सब अल्लाह पे छोड़ दे। तमिल में बोलते हैं आंट में मेले बारह पोटेंगे, छोटा लिया आंट में मेले बारह। टेंशन हमें किस टेंशन लेना नहीं चाहिए जिंदगी में, जो भी है हमारे हाथ में नहीं है ना जिंदगी। नेक्स्ट मिनट क्या होगा हम बोल नहीं सकते। आप बोल सबसे बड़े से बड़े उलमाओं के पास भी जाइए, कोई बता नहीं सकता कि नेक्स्ट कब होगा। परसों एक व्हाट्सएप में आया था मैसेज, इमाम साहब खुतबा जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं, कोई मेंबर, मैं इंडोनेशिया मेंबर में, मेंबर नहीं था, उनको पता था क्या? सो टेंशन मेहरबानी करके आराम, बी रिलैक्स इन लाइफ, दैट इज द बेस्ट नुस्खा। छोटे नुस्खे सब भूल जाइए, क्योंकि एक गिना एक बोलेगा आप कितने नुस्खे फॉलो करेंगे, कितने नुस्खे फॉलो करेंगे, फॉलोइंग एवरीथिंग। द बेस्ट थिंग इज टू बी रिलैक्स इन लाइफ। और मुल साहब बोले ना उलमाओं को ज़्यादा टेंशन, ठीक ठीक बोले मुल साहब, कई प्रॉब्लम्स आते हैं उनके पास, और खुसूसन सबसे बड़ा प्रॉब्लम सब आके दावत देते हैं, जाके खा लेते हैं। नहीं नहीं गए तो भी लोग हम आपको बोलेंगे अरे क्या मुल साहब को बुलाया, हमें हमारे घर की दावत हुआ ही नहीं, उनके घर की दावत हो गई, उनके घर जाइए कबूल कीजिए, लेकिन वहाँ पर एहतियात, वहाँ पे लोग आप मोहब्बत करते हैं, आपसे डालते हैं जालो मोली साहब खाओ, मोली साहब खाओ, मोली साहब को तकलीफ दे रहे हैं लोग। तो मोली साहब ये चीज़ जो है टेंशन मत लीजिए लाइफ में, टेंशन लेना बेकार बेकार बेकार। वो खुद आप खुद डेवलप करना चाहिए कि हाउ आई विल रिलैक्स, कैसा मैं रिलैक्स लाइफ लीड करूँ। वैसे तो प्रॉब्लम्स सबको आते हैं, लेकिन वी मस्ट लर्न हाउ टू रिलैक्स, टेंशन मत लीजिए। टेंशन ही सबसे बड़ी बुरी चीज़ है, टेंशन से ब्लड प्रेशर आता है, टेंशन से भी डायबिटीज़ आता है, एंड डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ द मेजर डिजीज़, क्योंकि डायबिटीज़ जो है पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, हार्ट को इन्वॉल्व करता है, ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व करता है, फुट को इन्वॉल्व करता है, किडनी को इन्वॉल्व करता है। इट इज़ द मेजर डिजीज़, ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज इज मेजर मेजर किलर्स, मेजर किलर्स। ये दो चीज़ें से मेहरबानी करके डरें बच्चे, वो अपने अपने खुद हाथ में है, अपने खुद हाथ में। ये लहसुन नहीं खाना, ये नारियल का तेल सुबह को दो चमचे पी लो, ये सब मैं नहीं मानता करो बोलता नहीं, लेकिन उसमें ज़्यादा ज़्यादा टेंशन देने के लिए नारियल का तेल पी को भी लहसुन खा को भी टेंशन में रहते क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो भूल जाइए, टेंशन मत लीजिए मेरे साथ, प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर प्रॉब्लम्स नहीं रहा तो क्या भी लाइफ ही नहीं, मन जाना सोच कर सर पाँच प्रॉब्लम नहीं सर आराम से कोई मगर हमी रंगा पूछे ना हमी रंगा पूछे ना तो उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो आई थिंक सब और थोड़ा एक्सरसाइज और थोड़ा प्रणाम। हासिम साहब भोपाली थे जो हमारे गुजरात के जानते होंगे आप लोग, सब मैन की बस क्या थे, आई मीन बड़े आलिम थे और इतने क्या बोलूँ सचर थे मैन, इतनी अपने आप को जो है जो क्या मतलब अल्फाज नहीं आ रहे पेरेंट्स को, उनका भी इंतकाल डायबिटीज था। मैं कई बार बोलता था मनीषा उन्होंने भी इतने पॉपुलर थे सब लोग अगला थे दावत,
मुजफ्फरपुर में दंगा हुआ ना तो मैं गया, मैं भी नौकरी से था। हम लोग बहुत सारे पैसा ये करके वहाँ जो कैंप्स थे हमारे लोग वहाँ जा के खिदमत में, मैं उनके साथ तब भी बोलता था हमेशा आप चल रहे थे इसका ख्याल। हज को जाने का प्रोग्राम था उनका, तो बोले दक्षा में मैं भोपाल जा रहा हूँ, जाके भाई साहब और हमारे लोगों से मिल के आ जाता हूँ। गए बेचारे, तो रात को खबर आई फोन में हाथ का प्रॉब्लम है, अहलिया के जो दूसरी अहलिया थे वन बढ़ के थे ले गए हॉस्पिटल को, डायबिटीज था उनको भी यही था प्रॉब्लम, लेकिन बेचारे चलते थे चलते थे। फजर की नमाज के बाद इमामत करते थे हेलमेट की मस्जिद में, उसके बाद छोड़ दिए उन्होंने हेलमेट मस्जिद से चलते थे, हल्के परसों कम चला आगे फिर जाते, लेकिन जो है खाने का है क्या